अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। मैं इस वक्त हूँ पत्रियाटा में और चेयर लिफ्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है मेरे ऊपर से चेयर लिफ्ट गुजर रही है, लेकिन मसला ये है कि मैं काफ़ी वॉक करके आया हूँ। पार्किंग दूर है, गाड़ी खड़ी की है पार्किंग में, और वहाँ पे जो है मैंने गाड़ी खड़ी करने के बाद थोड़ी सी वॉक की है, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से सांस जो है काफ़ी फूल गई है, मतलब सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही है। और इस तरह से यह है, ये रात हम माल रोड पे थे और अभी जो है हम पत्रियाटा हैं चेयर लिफ्ट की सवारी करने के लिए। एंजॉय करेंगे, चेयर लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं हम, और इंशाल्लाह अज़ीज़ बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ, और उसके बाद ये सीन है और ये माहौल है। ये इस तरह से रश है काफ़ी, और इसमें जो है मैं बस थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। माहौल काफ़ी अच्छा है, फिट है, और इस तरह से ये भाई भी आए हुए हैं ये वाले, और मैं जो है इस वक्त वहाँ पे जा रहा हूँ, और ये रश देख रहे होंगे आप, ये ग्रीन आँखों वाला रश। ये लोग जो हैं चेयर लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ से जो है ना ये चेयर लिफ्ट पे बैठेंगे। अभी मेरे साथ तीन साथी और हैं, दोस्त हैं तीन, वो थोड़े से पीछे हैं, तो जैसे ही वो पहुँचते हैं फिर इंशाल्लाह हम वो टिकट लेने गए हैं, टिकट लेके आते हैं तो फिर हम भी अपनी अपने सफ़र का कह लें आगाज़ करेंगे और इंजॉय करेंगे। रात बहुत बारिश थी यहाँ पे, वेदर बहुत अच्छा है, अभी तो धूप है लेकिन काफ़ी अच्छा है। मतलब यह है कि वॉक करने से तो थोड़ा पसीना आ रहा है, लेकिन गर्मी नहीं है किसी भी तरह की, कोई मसला नहीं है, दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन कम है इस वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से आप मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, मैं आपके साथ सारी अपनी जो प्लेसेस विज़िट करूंगा या जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं, जो मतलब पिकनिक पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको इसमें गाहे बगाहे ट्रैवलिंग में वो देता रहूंगा, इंफॉर्मेशन मौसम की भी, और कब जाना चाहिए, कब हालात ठीक होते हैं, लैंडस्लाइडिंग और ये चीज़ें सारी। उसके बाद ये वो नज़ारा है, यहाँ से आपने लिफ्ट पे चेयर लिफ्ट पे बैठना है, तो यहाँ से हमने नीचे से जो है ना स्टार्ट करनी है, और उसके बाद ऐसा है यहाँ पे आप खड़े होकर एंजॉय कर सकते हैं। और मैं जो है ना कोशिश भी कर रहा हूँ थोड़ा सा डाइट पे की तरफ जाना चाह रहा हूँ, अभी स्टार्ट तो नहीं की, इंशाल्लाह आप मुझे मोटिवेट करेंगे कमेंट्स में बताएं कि मुझे डाइट करनी चाहिए या नहीं, तो फिर इंशाल्लाह मैं उस पे काम करूँगा, उस पर कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं एक फूडी आदमी हूँ तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये सारा। तो ये पीछे मेरे लिए चेयर लिफ्ट है यहाँ पे, और इस तरह से तीन दोस्त हैं मेरे साथ, जो कैसर खान है और अदनान है, और अदनान के साथ हैं शहजाद। तो मसला यह है कि मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आया हूँ, लेकिन अभी जो है उसके बाद बहुत अरसे के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूँगा सारी चीज़ें, दिखाऊँगा आपको। ये जो है अभी पता नहीं वो किधर रह गए, वो आते हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में पार्ट टू में आपको सारी जो है ना अपना ट्रिप मुकम्मल जो है वो दिखाऊँगा और बताऊँगा कि हमने कहाँ कहाँ हम गए, क्या क्या इंजॉय किया, क्या क्या हमने खाने खाए। हम फूडी भी है ना थोड़े से, तो फिर इस तरह से। लेकिन यह है कि जो लाहौर के खाने हैं, कराची गुजरांवाला, वो यहाँ पे नहीं है, तो वो वाला मज़ा नहीं आता। लेकिन चलो ओके, अपना ख्याल रखिएगा, हम अभी इंजॉय करने लगे हैं,
और उसके बाद कमेंट्स कीजिएगा। थक गया हूँ, सांस फूली हुई तो बात नहीं हो रही। दुआओं में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, और अपने वालदैन से का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों से प्यार कीजिएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।